नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के चलता हूं रेगिस्तान के खेत दिखाने के लिए कि रेगिस्तान के लोग आखिर बिना पानी के खेती कैसे करते हैं। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि जो भी छोटी मोटी बरसात होती है उस पानी को बांध बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता है और उस पानी से रेगिस्तान के लोग खेती किया करते हैं। इसको हम बोलते हैं खड़ीन पद्धति से खेती करना। तो आज मैं आपको जैसलमेर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक खड़ीन है वहाँ पर लेकर के चलता हूँ, वो दिखाऊँगा आपको कि किस प्रकार से पानी इकट्ठा किया गया, उससे किस प्रकार से खेती की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्यामवीर सिंह और एक बार फिर मैं आज आपको जैसलमेर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर एक और बांध पर लेके आया हूँ, क्योंकि जैसलमेर में बहुत सारे बांध हैं और ये जैतबंद बांध महाराजा जैत सिंह द्वारा बनवाया गया। लेकिन इस बांध की खासियत क्या है कि जब तक इसमें आप मेरे पीछे पानी देख रहे होंगे, पानी रहता है तब तक बड़ा बाग, यहाँ से बांध, वो बांध है और बांध के पीछे वहाँ पर बहुत बड़ा बाग है, खेती बाड़ी होती है इस पानी से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये पानी इस जगह पर सूख जाएगा तब इसी जगह पर फसल की बुवाई हो जाएगी। बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ पर गेहूँ भी हो सकते हैं, चना भी हो जाता है और वो गेहूँ होते हैं और जो चना होता है वो इतना अच्छा क्वालिटी का होता है, क्योंकि ये पानी दूर दूर से आता है, उसके साथ में बहुत सारे जैविक खाद इसमें आ जाती है और इसीलिए जो भी फसल बोएंगे बहुत अच्छी होती है, उसको किसी प्रकार के केमिकल या रासायनिक खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे रेगिस्तान में जो खेती की जाती है, जो यहाँ के लोगों के लिए अनाज उगाया जाता है, वो इसी पद्धति से उगाया जाता है जिसको हम खड़ीन पद्धति बोलते हैं। देखिए, इजराइल की एक पद्धति है रेगिस्तान में खेती कैसे करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई से। तो वहाँ पर बहुत कम पानी में खेती हो जाती है, लेकिन हमारे रेगिस्तान की सिंचाई की पद्धति ये अलग तरह की है, इसको हम खड़ीन पद्धति से बोलते हैं। बूंद बूंद सिंचाई से जैसे ये पानी स्टोर कर लिया, अब इसको पंप के द्वारा जो फसलों तक पहुँचा जाएगा, हर पौधे की जड़ तक एक ड्रॉप लगाई जाती है जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। और लेकिन यहाँ पर ये पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा और इसका कुछ उपयोग हो जाएगा यहाँ बाहर जो खेती हो रही है पंप के द्वारा। और जब ये पानी सूख जाता है तो इसमें नमी इतनी रह जाती है कि अब पूरी फसल पक जाती है। तो हमारे रेगिस्तान में ये बहुत पुरानी पद्धति है और जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए इतना अनाज इस पद्धति से यहाँ पर उगाया जाता था कि वो पूरे सारे रियासत के लिए, जैसलमेर रियासत के लिए हो जाया करता था, कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब अकाल पड़ते थे, 2-3 साल बरसात नहीं हो, तब सिंध से चावल और दूसरे अनाज मंगाए जाते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर जैसे आप पानी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो यहाँ पर ऐसी कोई फसल नहीं है जो नहीं उगाई जा सके। तो लेकिन यहाँ पर गेहूं और चना ज़्यादा उगाते हैं, बाजरी तो बिना पानी के बरसात में हल्की फुल्की होती उसमें हो जाती है। लेकिन यहाँ की फसलों की एक खासियत बता देता हूँ आपको, बाजरे जो बाजरी होती है इतनी मीठी होती है कि अगर उसकी रोटी आप एक बार खा लोगे तो कभी भी आपको गेहूं के आटे की रोटी भाएगी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी, इतना मीठा इतना अच्छा आता है। यहाँ का चना बहुत पौष्टिक होता है और यहाँ का जो गेहूं पैदा होगा वो 1 किलो गेहूं जो पंजाब या दूसरे स्थानों का रासायनिक खादों का आता हो वो 10 किलो के बराबर होता है। यहाँ आप एक रोटी से आप खा लोगे तो इतनी एनर्जी देगी जितनी के पंजाब या दूसरी जगहों के रासायनिक खादों के गेहूं से 5-6 रोटियां खाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ के लोगों की, ये दरबार साहब का मतलब यहाँ के महाराजा थे उनका है और यहाँ के लोग हैं रहने वाले उनकी भी ऐसी खड़ीन है, तो वो लोग उस गेहूं को बेचते नहीं, उनके उपयोग के लिए हो जाता है, अतिरिक्त अनाज इतना नहीं होता कि यहाँ बाहर जा सके। तो यहाँ के लोग मजबूत होते थे, 6-6 फीट हाइट के होते थे, विपरीत परिस्थितियाँ सहन कर लेते थे, गर्मी इतनी 50-60 डिग्री टेम्परेचर सहन इसलिए कर पाते थे कि उनका खाना एक जैविक पद्धति से उगाया हुआ होता था। और जब जैविक पद्धति से जो उगाया जाता है गेहूं या अनाज, उसकी ताकत अपने आप बहुत अच्छी होती है। तो बहुत ही विशाल ये जैतबंद बांध जो खड़ीन भी है, ऐसी बहुत सारी खड़ीनें हैं और मैं जब भी मौका मिलेगा आपको यहाँ की खड़ीनों को मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी सारी खड़ीनें भरी हुई हैं, ये भी भरी हुई है और थोड़े दिन बाद फसल उगेगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, लहलाती फसल कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।